नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षित भारत के डेली करंट अफेयर कार्यक्रम में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि BCCI के अध्यक्ष कौन है। BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर होगा सौरभ गांगुली। और हाल ही में क्यों मैं चर्चा में रहे हैं उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं सचिन तेंदुलकर। तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से प्रसिद्ध है और भारत के दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। और इसके बाद हम बात करें सुरेश रैना की, तो ये भी भारत के दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं। इन्होंने सुरेश रैना ने और श्री महेंद्र सिंह जी धोनी ने, दोनों ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी थी। और इसके बाद अगर हम बात करें शशांक जी मनोहर की, तो ये BCCI से भी जुड़े रहे हैं और ICC से भी जुड़े रहे हैं। ICC का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और उनके प्रशासन से संबंधित कार्य से जुड़े रहे हैं। इसके बाद हम बात देखते हैं सौरभ जी गांगुली की, ये क्यों चर्चा में रहे हैं। तो सौरभ गांगुली जी अभी BCCI के अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें BCCI की, तो ये इसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसके अध्यक्ष सौरभ जी गांगुली है और शिव जैसा है। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और ये इसका क्या है, ऑफिशियल साइट का जो फोटो है वो है। और इसके बाद अगर हम देखें तो कि BCCI का कार्य क्या है, तो BCCI का कार्य भारत के क्रिकेट से संबंधित सभी नीतियों का निर्माण करना और उन्हें लागू करना, ये इसका मुख्य कार्य है। और विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना है। इसके बाद सौरभ जी गांगुली है, वो भी एंजियोप्लास्टी को लेकर के चर्चा में रहे हैं। तो एंजियोप्लास्टी क्यों करवाई जाती है, जब हमारे रुधिर की वाहिकाओं में कहीं पर उनका संकुचन या बाधित हो जाती है तो उनमें से रक्त सही तरीके से नहीं परिवहित हो पाता है। और रक्त का जब सही तरीके से परिवहन नहीं होता है, उसकी वजह से धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह के जमने के कारण ही वो संकुचित होती है। तो उन संकुचित रुधिर वाहिकाओं को वापस उनके सही आकार में करने के लिए यांत्रिक रूप से चौड़ा करने की एक शल्य तकनीक है, जिसे एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। और एंजियोप्लास्टी में एक वस्तु छोटी सी का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है स्टेंट। स्टेंट एक तार की बनी हुई होती है और उसको धमनियों के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिससे वो वहाँ से क्या है, वापस अपने सामान्य अवस्था में आ जाती है और संकुचित नहीं रहती। और इससे रक्त का परिवहन है वो सही तरीके से शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने हाल ही में COVID-19 से संबंधित किन वैक्सीन के आपात प्रयोग को मंजूरी दी है। तो इसके जो मंजूरी दी है वो भी केवल क्या दी है, आपात प्रयोग को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर क्या होगा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों ही वैक्सीन है जिनको क्या है, इनके आपात प्रयोग को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों, ये कोविजिन नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं इनके बारे में, तो भारत के वर्तमान में DGCI कौन है, डॉक्टर VG सोमानिया भारत के DGCI है। ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया भारत के डॉक्टर VG सोमानी है। अगर हम बात करें कोवैक्सीन की, तो यह एक स्वदेशी वैक्सीन है जिसका निर्माण है वो भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा किया गया है। और इसके तीसरे चरण का ट्रायल है वो अभी हाल ही में चल रहा है। और यह वह वैक्सीन है जिसको ट्रायल के दौरान ही क्या है, उपयोग आपात उपयोग में इसके लाने की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद कोविशील्ड की बात करें, तो ये भी क्या है, स्वदेशी है और इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। और अगर हम बात करें इनके आपात प्रयोग की, तो अभी सिर्फ वयस्कों पर इसका टीकाकरण होगा, बच्चों पर नहीं होगा। बच्चों पर बाद में होगा, यानी कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर बाद में होगा। अब इसके बाद देखें कि टीकाकरण प्रोग्राम के तहत देश में जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को डोज दी जाएगी। जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को इसकी डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोवैक्सीन है और ये कोविशील्ड है। इसके बाद अगर हम देखें तो
अभी हाल ही में किस देश ने अपने कानून में संशोधन करके महिलाओं को बिना अभिभावक की स्वीकृति के नाम बदलने का अधिकार प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने पिछले काफ़ी लंबे समय से महिलाओं के अधिकारों के प्रति अच्छा कार्य कर रहा है और इन्होंने कुछ अन्य भी छूट प्रदान किए महिलाओं को, जो एक सराहनीय कदम माना गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं कि सऊदी अरब है वो कहाँ पर है, विश्व मानचित्र में कहाँ पर है। तो ये भारत है और इसके पश्चिम में पड़ता है सऊदी अरब। सऊदी अरब के जस्ट उत्तर की तरफ इराक है और उत्तर पूर्व की तरफ यहाँ पर ईरान पड़ता है और ये इसके दक्षिण पूर्व की तरफ ओमान है और दक्षिण की तरफ यमन है और ये इधर मिस्र से सीमा साझा करता है। इसके बाद अगर हम देखें इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी रियाद है और इसकी मुद्रा है वो सऊदी रियाल है। इसके क्राउन प्रिंस है वो मोहम्मद बिन सलमान है। इन्होंने हाल ही में काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, सुधारात्मक कदम उठाए हैं और महिलाओं अधिकारों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया है इन्होंने। और महिलाओं को वर्ष 2018 में अकेले ड्राइविंग की भी इजाज़त सऊदी अरब ने ही दी थी। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी और कार्य भी किए हैं जिसमें महिलाओं को पासपोर्ट भी प्रदान किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत की निर्वासित संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो तिब्बत की निर्वासित संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा धर्मशाला। धर्मशाला है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य की, धर्मशाला के बाद में हम बाद में बात करेंगे थोड़ी सी, अब हम देख लेते हैं लेह को। तो लेह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा ज़िला है, और ये नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी भी है और यहाँ पर शीत मरुस्थल पाया जाता है भारत का। और मंडी है वो हिमाचल प्रदेश में है, पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। श्रीनगर है वो भी हाल ही में नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और धर्मशाला के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्रिकेट का स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम भी है जो काफ़ी मशहूर है। और तिब्बत की निर्वासित संसद है वो भारत में कार्य कर रही है, यहाँ पर इसका क्या है मुख्यालय है धर्मशाला में। अभी क्यों चर्चा में रहा है कि हाल ही में अमेरिका की संसद में तिब्बत नीति और समर्थन कानून पास हुआ है जिसे चीन को झटका लगा है, ये चीन को झटका लगा है एक प्रकार से। अगर हम बात करें चुनावों की, निर्वासित संसद में, तिब्बत की निर्वासित संसद में धर्मशाला में अभी चुनाव हो रहे हैं, तो ये कितने सीटों के लिए हो रहे हैं? 45 सीटों के लिए हो रहे हैं और इसके नतीजे कब तक आएंगे? मई तक आएंगे। और इसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा 26%। अब हम देख लेते हैं कि BEML क्या है। ये सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है, एक भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है। इसका पूरा नाम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। यह बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसमें केंद्र सरकार की, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में भारत केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है वो 54.03% है। और 11 मई 1964 को इनकॉर्पोरेट हुई BEML तीन प्रमुख बिजनेस वर्टिकल्स के तहत काम करती है जिसमें माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस और रेल एंड मेट्रो शामिल है। यह कंपनी हेवी मशीनरी इक्विपमेंट बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ष 2020 में रेडियो दूरदर्शन का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल दर्शक कौन सा देश रहा है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान है वो क्या है दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल दर्शक रहा है। तो पहला इसका कौन रहा है? पहला इसका रहा है भारत। और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका इसका रहा है तीसरा सबसे बड़ा दर्शक रहा है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेडियो दूरदर्शन के बारे में। तो प्रसार भारती के डिजिटल चैनलों में 2020 में 100% से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और दूरदर्शन है, इसका जो मोटो है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। और ये एक ब्रॉडकास्ट का ही प्रकार है जो न्यूज़ वगैरह को प्रसारित करता है। और ये भारत का चैनल है। और इसके बारे में अगर हम बात देखें और ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसका ओनर है वो प्रसार भारती है। और इसके अभी CEO है वो शशि शेखर वेम्पति है।
और इसकी स्थापना है वो 15 सितंबर और 1959 को हुई थी। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि IUC का पूर्ण स्वरूप क्या है जो हाल ही में खबरों में चर्चित रहा है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज इसका सही नाम होगा पूर्ण रूप। अब हम देखते हैं कि ये है क्या, तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अनुसार इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क IUC को 1 जनवरी 2021 से क्या कर दिया है, शून्य कर दिया है। IUC शुल्क का भुगतान दूरसंचार कंपनी द्वारा अपने नेटवर्क से विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए किए गए प्रत्येक कॉल के लिए किया जाता है। इस कदम से पहले दूरसंचार कंपनियां हैं वो IUC के रूप में प्रति मिनट 6 पैसे का भुगतान कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं चीन ने भारत के किस राज्य की सीमा के निकट तिब्बत के लासा और निंगची शहरों को जोड़ने वाली एक रेल लाइन को पूरी की है, तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। और ये भी क्या है, चीन से सीमा साझा करने वाले हैं राज्य जिसमें ये दो तो राज्य हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश है नवगठित जो जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर के बना है। और इसके बाद अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश के पास ये जो शहरों को जोड़ने वाली रेल लाइन पूरी की है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चीन ने हाल ही में एक रेलवे लाइन की ट्रैक बिछाने का काम पूरा किया है जो तिब्बत के लासा और निंगची शहरों को जोड़ती है। यह शहर अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब है। तो तिब्बत के लासा और निंगची शहर कहाँ पर है ये हम देखते हैं कि यहाँ पर भारत का नक्शा आ गया जिसमें ये भारत की चाइना के साथ में बॉर्डर है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये म्यांमार के साथ में भारत की सीमा लगती है और ये भारत की अगर हम बात करें तो ये आ गई भारत के आंतरिक राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा, ये यहाँ पर भूटान के साथ लगती है, ये भूटान के साथ में लगती है इतनी सीमा। और उसके बाद हम देखते हैं कि अभी जो परियोजना आई थी उसका क्या औचित्य है, तो ये यहाँ पर पड़ता है लहासा तिब्बत का और ये पड़ता है नांगची, इन दोनों को जोड़ने वाली रेल प्रोजेक्ट को रेल लाइन को क्या है चाइना ने विकसित किया है और ये अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है इसलिए ये काफ़ी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ से ही भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है जो आगे अरुणाचल प्रदेश से असम से होती हुई आगे चली जाती है और असम के अंदर ही ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर यहाँ पर माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है वहाँ पर एक दर्रा है उसका नाम है यांग याप दर्रा ठीक है, इसका नाम है यांग याप दर्रा और पर्वतीय राज्य है, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। तो धन्यवाद दोस्तों।